बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहानो ताला। यस्टरडे वी हैव डन एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 6 to 8। आई होप यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क एंड डिड प्रैक्टिस आल्सो। और उम्मीद करती हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे टेबल्स की मेमोराइजेशन भी कर रहे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट नंबर 9। हमारे पास दो ही पार्ट्स रह गए हैं, 9 and 10। आज इंशाल्लाह हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर इज 60। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर इज 9, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। हमने वही डिवीजन मेथड यूज़ करते हुए एलसीएम फाइंड आउट करना है। पार्ट नंबर 9 है बच्चों 32, 72 and 144। दिस इज 144, ठीक है। तो काम स्टार्ट करते हैं अब हम अपना नोटबुक्स पे। सबसे पहले दिस इज योर स्केल लाइन नोटबुक। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स, सीरियल नंबर इज 11, डेट 22/12/2020, एलसीएम एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 9 and 10। ठीक है, आज हम पार्ट 9 and 10 करेंगे। पेज नंबर मेरा स्टार्ट हो रहा है 21 से, जहाँ तक भी होगा वो आपने राइट कर लेना है। नाउ स्टार्ट अवर वर्क। I have already prepared my page. First of all, date 22/12/2020, page number Islamic date, exercise number 2.3, page number is 60, part 9, 32, 72 and 144। solution, मैंने जिस तरह हमारा LCM का method होता है मैंने line draw की, values लिख लें। start करते हैं। सबसे पहले है 32, तो 32 को बच्चों चेक करते हैं हम कि 32 हमारा किस पे डिवाइड होता है। सबसे पहले हमारे पास 2 है, तो 2 का रूल चेक कर लेते हैं 32, ताकि हमें आइडिया हो जाए क्या वो 32 पे डिवाइड होता है। अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल 32 हमारे पास जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 32 यानी 2 इवन है। नेक्स्ट 72 है, ये भी इवन आ रहा है 2। 144 यूनिट प्लेस में देखिए, ये भी 4 है यानी इवन नंबर। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, राइट? तो लेट्स स्टार्ट बेटा। यहाँ हम राइट करेंगे 2, 32। मैंने आपको दोनों मेथड प्रीवियस लेसन में भी बताए थे कि 32 को या तो आप 2 पे डिवाइड कर लें, 2 एज अ डिवाइजर एंड 32 इज़ अ डिविडेंड। डायरेक्ट करेंगे अब 3 के टेबल में जो है हमने डिवाइड करके 32 को चेक करना है कि 2 पे डिवाइड होता है कि नहीं। तो जब हम 2 का टेबल रीड करेंगे तो 2 1 2 जाएगा और 1 हमारे पास यहाँ कैरी जाएगा, 2 1 2 ऐसे, 3 - 2 क्योंकि 2 1 2 है, दिस इज़ 1। यहाँ पे हमने 1 कैरी दिया, 12 बन गया। तो 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 2 6 12 और कोमा एज इट इज़, ठीक है। दूसरा मेथड था हमारे पास, मैं यहाँ कर रही हूँ, रफ पेज लीजिए, 32 डिविडेंड डिवाइज़र है 2, 2 1 2, 3 - 2 is 1, 2 राइट कीजिए यहाँ पे, 2 6 12, आंसर इज 0। सो द आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन जो 16 था वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है 72, आप यही मेथड चाहते हैं तो आप यही मेथड यूज़ कर लें। 72 को डिवाइड करें, किससे डिवाइड करना है, 2 से, 2 7 है यहाँ पे, 2 1 2, 2 2 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 7 - 6 is 1, हम 2 राइट करेंगे, 2 कितने टाइम्स 12 होता है, 2 6 12, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। सो द आंसर इज 36, तो हम यहाँ पे 36 राइट कर देंगे, क्लियर। अगर मैं आपको डायरेक्ट मेथड बात करूं, 2
जो उसके करीब होगा, 2, 3 ज़ार 6, तो यहाँ से 7 था, तो 7 माइनस 6 जो आपके पास 6 था उनमें से माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा, 1, तो 1 यहाँ पे कैरी जाएगा और 2, 6 ज़ार 12। इसको मैं आपको डायरेक्ट करवाती हूँ। अब यहाँ पे 1 है, 2 के टेबल में हमने 1 चेक करना, 1 तो आता नहीं है क्योंकि 2 का टेबल है तो 1 तो स्मॉलर है, तो हम 14 को चेक करेंगे, 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है बताइए, वेरी गुड, 2, 7 ज़ार 14। अब कैरी कोई भी नहीं जा रहा, अब 4 है तो 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2, 2 ज़ार 4, तो यहाँ पे हम 2 राइट कर देंगे। क्लियर, ऐसे ही हम लाइन जी। नेक्स्ट है हमारे पास 16, 36, 72। अगेन हम चेक करते हैं जी, बता सकते हैं अब हम किस टेबल से डिवाइड करें, वेरी गुड, 2 से ही अगेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तीनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि यूनिट प्लेस में इवन नंबर आ रहा है, तो यहाँ राइट करते हैं 2 के टेबल में 16 कितने टाइम्स आएगा, वेरी गुड, 2, 8 ज़ार 16, 8 यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 36 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं, और अगर डायरेक्ट करेंगे तो 2, 1 ज़ार 2, 3 माइनस 2, 1, ये कैरी गया तो क्या बन गया, 16, 2 कितने टाइम 16 होता है, 2, 8 ज़ार 16, ऐसे डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 72 को आप डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर गिवन है यहाँ पे, ये आपके सामने है 36, हमारा आंसर आ चुका है पहले ही क्योंकि हमने पहले भी एक यहाँ से 72 को 2 पे डिवाइड करके देख लिया था, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, दिस इज 36। क्लियर जी, बता सकते हैं अब हम नेक्स्ट कौन सा नंबर लें, वेरी गुड, अगेन हम कौन सा लेंगे, 2, व्हाट्स द रीज़न, क्योंकि यहाँ 8 है, 8 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है और यूनिट प्लेस में इवन नंबर आ रहा है, यहाँ भी 8 है, ये भी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है और यहाँ 6 है, यानी यूनिट प्लेस में तमाम नंबर्स में इवन नंबर्स आ रहे हैं और यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। चलें स्टार्ट करते हैं, 2 यहाँ 8 है, कितने टाइम्स होगा, 2, 4 ज़ार 8, 18, 2, 9 ज़ार 18, कोमा एज इट इज़, 36, 36 को डिवाइड करके देख लीजिए, हमारा ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व भी हुआ है, 36 को जब हमने किया था 2 से, 2, 1 ज़ार 2, 2 को जहन में रखें, 3 माइनस 2 इज़ 1, तो यहाँ 1 कैरी गया, 16 और 2, 8 ज़ार 16, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास 4, तो 4 को ही देख के हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 का टेबल पे हो जाएगा 2, 2 ज़ार 4, कोमा, अब 2 के टेबल में बच्चों 9 नहीं आता, 2, 4 ज़ार 8, 2, 5 ज़ार 10, तो नेक्स्ट नंबर ग्रेटर हो जाएगा तो 9 हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे क्योंकि रूल है कि कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट इज 18, 2, 9 ज़ार 18, लाइन ड्रॉ कीजिए जी, अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 है तो पहले हम इसको 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, 2, 1 ज़ार 2, अब 2 के टेबल में 9 नहीं जाता, ये भी 9 हम एज इट इज़ राइट करेंगे और ये 9 भी हम एज इट इज़ राइट करेंगे। क्लियर बच्चों, अब ये जो 1 है इसका मतलब है ये वाली साइड हमारी कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है क्योंकि ये 1 पे आके स्टॉप हो जाता है। अब हमारे नेक्स्ट नंबर हैं 9, तो हम कौन सा नंबर लें, वेरी गुड, अब हम लेंगे 3, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, कोमा, 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, टेबल रीड कीजिए, 3, 3 ज़ार 9, तो हम यहाँ राइट करेंगे 3,
कोमा अगेन 9 है, यहाँ पे भी आ जाएगा 3। यस बेटा, व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर इज 3, क्योंकि हमारे पास यहाँ दोनों जगह पे 3 आ रहा है, तो अब हम 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1 एज इट इज कोमा 3, कितने टाइम्स 3 होता है, 3 वन जार 3 कोमा, यहाँ पे भी 3 वन जार 3, यानी कि हमारे पास दोनों 3 थे तो हमने 3 के टेबल से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास तीनों लास्ट नंबर्स में 1 1 1 आ चुका है, इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका, राइट। अब हम क्या राइट करेंगे, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी राइट करते थे, एलसीएम ऑफ कौन से नंबर्स हैं, 32 कॉमा 140 72 एंड 144। जी, इसके बाद हमने नंबर्स, ये जो साइड पे नंबर्स आ रहे होते हैं हम ये राइट करते हैं, इक्वालिटी साइन 2, कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो हम 5 टाइम्स 2 राइट करेंगे और हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई का साइन आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, कोई मिस नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तक हमने 2s राइट कर लिए, अब कितने 3s हैं, 2 टाइम्स 3 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने मल्टीप्लाई आपस में इनको करना है, लेट्स स्टार्ट, 2 2s are 4, अब ये जो 4 है 4 2s are 8, 8 2s are, यानी 8 का टेबल 2 तक, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are, अब आपको 16 का टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 2s are, 2 6s are 12, 1 carry, 2 1s are 2 एंड 3, दिस इज 32, 32 3s are, 32 3s are 3 3s 3 2s are 6 3 3s are 9, मल्टीप्लीकेशन जैसे आप ऑलरेडी पहले सीख चुके हो, 3 2s are 3 2s are 6 3 3s are 9, दिस इज 96। अब इस 96 को हमने किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 96 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6s are 18, 18 का हम क्या राइट करेंगे, 8 1 इज कैरी, 3 9s are, वेरी गुड, 3 को 9 पे भी पढ़ा जा सकता है और 9 को 3 पे भी, दिस इज 27, 27 में 1 ऐड करें 28, सो द आंसर इज 288, क्योंकि यहाँ हमारा स्टॉप हो गया, आगे कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब है 288 हम यहाँ पे राइट कर देंगे, 288, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों, आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा, आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है और आपने नेक्स्ट पार्ट भी खुद करना है, ठीक है। नाउ नोट डाउन योर डायरी, दिस पार्ट, पार्ट नंबर 10, 60, 100 and 125, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, डायरी नोट कीजिए, दिस इज़ योर डायरी, नोट डाउन इट, एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 9 and 10, 9 बेटा मैंने आज आपको क्लास वर्क में करवा दिया था और पार्ट नंबर 10 आपने होमवर्क में करना है,
होमवर्क है एंड प्लस यानी कि डू प्रैक्टिस यानी कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं उनके आपने प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बच्चों, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।